नमस्कार। कल के व्याख्यान में हमने हिंदी नाटक की जो विकास परंपरा है उस परंपरा के संदर्भ में बात की, और उसमें भी भारतेंदु युग और भारतेंदु युग में भी विशेष तौर से भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अवदान है नाटक की विकास यात्रा में, उस पर चर्चा की। आज हम प्रसाद युगीन नाटक की बात करेंगे, और चूंकि जयशंकर प्रसाद का जो अवदान है हिंदी नाटक की विकास यात्रा में, उसी के मद्देनज़र इस काल को प्रसाद युगीन नाटक के नाम से अभिहित किया जाता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है। आरंभिक चरण के नाटक, जिनमें सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित तथा राज्यश्री की चर्चा की जा सकती है। मध्यकालीन चरण के नाटक, जिनमें विशाखदत्त, अजातशत्रु और जनमेजय का नाग यज्ञ की चर्चा की जा सकती है, तथा प्रौढ़ चरण में जो नाटक उन्होंने लिखे उनमें ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त जैसे प्रमुख नाटकों की भूमिका रही। तो उनके विकास के जो सोपान है, उस सोपान के तीन चरण जयशंकर प्रसाद के स्वयं के माने जा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद और नाट्य लेखन का बहुत गहरा संबंध रहा है। प्रसाद काल में नाटकों का जो प्रौढ़ विकास है, वो विकास संभव हो पाया। नाट्य कला तथा नाट्य तत्वों का विकास और उनका व्यापक प्रयोग करते हुए जयशंकर प्रसाद ने नाटकों को एक विशेष ऊंचाई प्रदान की। नवजागरण चेतना के प्रभाव के कारण इनके नाटकों में इतिहास तथा अतीत गाथा का आना स्वाभाविक था। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रसाद जी ने इतिहास का पुनर्लेखन किया, बल्कि इतिहास का सृजनात्मक प्रयोग इनके नाटकों का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। भारत के अतीत की स्वर्णिम संस्कृति की झलक जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अकारण ही दिखाई नहीं देती। इसका सीधा सा जो कारण है, उसका एक सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ वो अपने नाटकों में लेकर के चले हैं। ऐतिहासिक पात्र रचनाओं तथा घटनाओं में जयशंकर प्रसाद ने कल्पनाशीलता का मिश्रण करते हुए एक ऐसा नाट्य रसायन तैयार किया जिसका मुख्य स्वर पुनरुत्थान था। प्रसाद का दौर साहित्य में सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति के नाम से जाना गया। उन्होंने भारतीयों की सांस्कृतिक पराधीनता को छिन्न भिन्न करना चाहा। उनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण जरूर दिखाई देते हैं। आलोचकों का मानना है कि गीतों की अतिशयता, जटिल दृश्य विधान, नाटकों का बहुअंकीय तथा बहुदर्शात्मक होना, पात्रों की अधिक संख्या तथा क्लिष्ट भाषा आदि के कारण जयशंकर प्रसाद के नाटक सहज मंचित नहीं किए जा सकते। इनके नाटकों में अति साहित्यिकता का प्रबल आग्रह भी हमें दिखाई देता है। भारतीय रस परंपरा के अनुसार इनके नाटक सुखांत भी नहीं है। स्वयं प्रसाद ने इन सभी आरोपों को खंडित करते हुए कहा कि मैं नाटक नाटक के उद्देश्य से लिखता हूँ, न कि रंगमंच के उद्देश्य से। पहले रंगमंच गढ़े जाते हैं और बाद में नाटकों का लेखन होता है, इसी से समस्या उत्पन्न हो जाती है। होना तो यह चाहिए कि पहले नाटक लिखे जाएं और उनके अनुरूप रंगमंचों का गठन हो। उन्होंने कहा कि नाटकों की सही समझ के लिए सुरुचिपूर्ण पाठकों का होना भी आवश्यक है। जयशंकर प्रसाद के आरंभिक चरण के नाटक दो संस्कृतियों के बीच
तुलनात्मक दस्तावेज को प्रस्तुत करते हैं। सज्जन कल्याणी परिणय, राज्यश्री जैसे नाटक भारतीय पौरुष, स्थित्व और नैतिकता के पुनर्गठन का प्रयास करते दिखाई देते हैं। राज्यश्री नाटक भारतेंदु के नाटक नील देवी की तरह ही ऐतिहासिक नाटक है। नायिका राजेश्री प्रतिशोध भावना से ग्रसित है। पति के हत्यारों को सजा दिए जाने के साथ साथ पैतृक राज्य की पुनर्स्थापना के लक्ष्य से जुड़ती हुई भी हमें दिखाई देती है। नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ भारतीय संस्कृति के बिखराव का उपचार ढूंढने वाला नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने आर्य तथा अनार्य जाति के समन्वय के द्वारा एक अखंड भारतीय संस्कृति की आधारशिला रखी। चंद्रगुप्त नाटक के द्वारा क्षेत्रीय अलगाववाद को समाप्त करके अखंड आर्यावर्त को मंत्रपूत करना उन्होंने चाहा था। चंद्रगुप्त का नायक चाणक्य कहता है कि याद रखो, तुम मगध और मालवबाद में हो, पहले अखंड आर्यावर्त के हो। नाटक स्कंदगुप्त भी एक प्रभावशाली नाटक है, जिसके माध्यम से प्रसाद जी ने आंतरिक कलह तथा सांप्रदायिक संकीर्णताओं को राष्ट्रीय एकता में बाधक माना है। जिस प्रकार गुप्तकालीन भारत में हिंदू और बौद्ध धर्म के बिखराव के कारण शकों और हूणों का आक्रमण संभव हो सका, उसी प्रकार प्रसादकालीन भारत में भी हिंदू और इस्लाम के आपसी मतभेद से अंग्रेजी सत्ता को भारत में पांव जमाने का अवसर मिल गया। दो नाटक विकास परंपरा में दो चरणों को हम पढ़ चुके हैं। जयशंकर प्रसाद के जो समकालीन नाटककार हैं उनकी हमने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की, और इसी तरीके से भारतेंदु युग में जो हमारा मूल लक्ष्य रहा वो भारतेंदु के नाटक और उन नाटकों में अभिव्यक्त विषय है, उन्हीं विषयों के केंद्र में हमने उसको रखा। और नाटक विकास परंपरा के द्वितीय सोपान में जयशंकर प्रसाद के नाटकों को ही हमने केंद्र में रखा है, और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लक्षित करने की कोशिश हमने इसके माध्यम से की है, जिनके माध्यम से जयशंकर प्रसाद जो युग है वो प्रसाद युग के नाम से अभिहित किया गया। कल के व्याख्यान में प्रसादोत्तर जो नाटक है और उस विकास यात्रा में जो महत्वपूर्ण नाटककार रहे हैं आधुनिक नाटक साहित्य के, उन सब पर हम पृथक पृथक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।